नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं सॉफ्ट आइस। इसमें हम आपको पेंगुइन बनाना बताएंगे। इसमें कई लोग हमारे पास आते हैं कि मार्केट से कटिंग लिए हैं पर बन नहीं रहा है, तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पेंगुइन बनाने की विधि बताएंगे। इस पेंगुइन को बनाने के लिए सामग्री जो लगेगी वह है एक पीस येलो फेल्ट, एक पीस काला फेल्ट, एक पीस सफेद फेल्ट और एक पास सिंथेटिक रुई, एक पेयर पेंगुइन का आंख और सॉफ्ट आइस वाला धागा लगेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रेस पेपर से कटिंग वाले कार्ड में ड्राइंग करके सारे बॉडी पार्ट्स की पहले कटिंग करेंगे। इस प्रकार कार्ड या पुरानी कॉपी का खड्डा लेकर के इसकी ड्राइंग पहले इसमें करके सारे भाग की पहले कटिंग कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इस ट्रेस पेपर से कटिंग वाले कार्ड में ड्राइंग करके सारे बॉडी पार्ट्स की पहले कटिंग करेंगे। आप मार्केट में जो ड्राइंग वाली ट्रेस पेपर लाए हैं उसे पहले इस प्रकार कटिंग कर ले, उसके बाद सभी कटिंग को जैसा हम बताते जाएंगे उसी प्रकार हेल्ट के ऊपर रखकर ड्राइंग करते जाएं। कटिंग और ड्राइंग में स्केच पेन की जरूरत पड़ेगी, स्केच पेन से ही ड्राइंग करना है। और इस प्रकार सात कटिंग, यह सात पीस है, सात कटिंग पहले इसकी कर ले, उसके बाद फिर फेल्ट के ऊपर रख करके फिर फेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए सात पीस हमने काट लिए हैं, इस प्रकार सात कटिंग कर लीजिए। देखिए आप मार्केट से जो कटिंग लाएंगे उसे इस प्रकार हेल्ट को उल्टा रख के स्केच पेन से ड्राइंग करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे जिसमें वन पीस कट लिखा है तो उसको सिर्फ एक ही पीस काटेंगे, जिसमें फोर पीस लिखा है जैसे इसमें फोर पीस तो इसे चार भाग चार बार इसको कटिंग करेंगे। इसमें जैसे टू लिखा है और यदि अपोजिट लिखा है तो उसे पलट देंगे, एक बार इस प्रकार कटिंग करेंगे और अब इसको पलट के फिर एक बार ड्राइंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। फोर पीस वाले में यदि अपोजिट लिखा है तो इसे पलटेंगे दो बार और इसके से ड्राइंग करके कटिंग करेंगे। और जैसे कटिंग में यहाँ पे M, N जो भी इसमें लिखा है, जैसे यहाँ B, A लिखा है उसको वहाँ पे तुरंत लिख देंगे, जैसे यहाँ पे B, A लिखिए, वहाँ पे CD लिखा है तो CD को सिलाई करते समय जोड़ते समय बॉडी भाग को जोड़ते समय आसानी रहेगी। जैसे इसमें M और N लिखा है तो यहाँ पे M, N लिख दिए, जब इसकी कटिंग होने के बाद सिलाई करेंगे तो जोड़ने में आसानी रहेगा। देखिए अब सारी ड्राइंग हो गई है। इसे दो पीस व्हाइट फेल्ट में काटना है और दो पीस ब्लैक काला फेल्ट में काटना है, इसे चार पीस काटेंगे। सारी ड्राइंग करके अब इसकी पीस की इस प्रकार से कटिंग करेंगे, कटिंग करना है। अब देखिए इस पेंगुइन की टोटल कटिंग 15 पीस है। काला फेल्ट से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पीस काला फेल्ट से काटे हैं। सफ़ेद फेल्ट से 3 पीस काटे हैं, 1, 2 और 3। ये जो फ्लिपर है इसे 2 काला और 2 सफ़ेद में काटना है, पलट करके कटिंग को पलट के 2 काला और 2 सफ़ेद काटेंगे। जो पीला फेल्ट है उसमें 6 पीस काटना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सारे नंबर जैसे लिखे रहेंगे कटिंग में उसी प्रकार नंबरों को
लिख देना है ताकि आसानी से सिलाई हो सके। पूरा टोटल 15 पीस है। इसकी सिलाई यह फेल्ट से बन रहा है तो इसकी सिलाई या तो सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं या हाथ से। देखिए सबसे पहला स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आप साइड बैक के पॉइंट ए से बी तक को साइड बॉडी के पॉइंट सी से डी तक सिलाई करेंगे। उसके बाद लोअर बैक को पॉइंट ई एफ को चेस्ट के पॉइंट एम से एन तक सिलाई करेंगे। दोनों साइड बॉडी को आपस में सिलाई करेंगे। अभी हम बताते हैं कौन सी पॉइंट कहाँ पे जोड़ करके सिलना है। तो पहला स्टेप पहले बताते हैं। देखिए यह वाला पीस साइड बॉडी का है और ये पीस साइड बैक का है। इसमें ए और बी पॉइंट है और इसमें सी और डी पॉइंट है। तो बी पॉइंट को डी में मिलाएंगे और ए पॉइंट को सी में, और इसका सेंटर यहाँ से पकड़ के इसका ऐसे मिला के इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस प्रकार इसकी सिलाई करेंगे। यह धागा सॉफ्ट आइस बनाने का ही धागा है। आप लोग सॉफ्ट आइस बनाने वाली धागा से ही सिलाई करेंगे। पूरा ए और सी तक के सिलाई करना है। ये देखिए अब यह चेस्ट बॉडी है और यह लोअर बैक। इसका ई और एफ पॉइंट है और इसका एम और एन पॉइंट है। तो इसका सेंटर पकड़ेंगे और इसका सेंटर, और ई को एम से एम पॉइंट से और एफ को एन पॉइंट तक सिलाई करेंगे। ये देखिए इस प्रकार इसकी सिलाई करेंगे। इसके बाद दोनों साइड बॉडी को मिला करके जोड़कर सिलाई करेंगे। दोनों साइड बॉडी को इस प्रकार। इसके बाद ये है एक साइड बॉडी और ये है, दोनों साइड बॉडी को मिला करके इसकी सिलाई करेंगे। पेंगुइन के पंजे की सिलाई एकदम सिंपल है। इसको इस प्रकार सील करके पलट देंगे। इसमें जरा सा टिकरी भरना है और इसको पलट देंगे। दो दो पीस, चार पीस काटे हैं, बस दो दो पीस इसको जोड़ना है। ये देखिए इसका पेंगुइन का फ्लिपर जो पंख है, चार पीस काटे हैं, दो काला दो सफ़ेद। तो इसकी सिलाई किधर का इसका हिस्सा बड़ा है इसे खुला रखेंगे इसके साथ अटैच करने के लिए, और किधर हिस्सा कम है इसे पूरा बंद कर देंगे। देखिए जैसे कि इधर को खुला रखेंगे और इधर पूरा बंद करेंगे। इसकी सिलाई इस प्रकार करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा रुई डाल करके इसको बाजू भाग के साथ सिलेंगे।
या सिलने के बाद भी रुई डाल सकते हैं या उसमें अटैच करने के पहले भी थोड़ा थोड़ा रुई भर सकते हैं, पर इस सिरे को पूरा सिलना है। इसकी सिलाई मशीन से भी हो जाती है अच्छे से। देखिए, जैसा कि हम पहले भी आपको बताए थे कि मार्केट से जो कटिंग लेंगे उसमें सारे पॉइंट्स नहीं दिए रहते हैं, तो कुछ बॉडी पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमें खुद पॉइंट्स देने पड़ते हैं। जैसे देखिए, इसमें कहीं कोई पॉइंट्स मार्केट का कटिंग है तो इसमें नहीं दिया है, ना इसमें भी नीचे कोई पॉइंट नहीं दिए, सिर्फ यहाँ पे सी और डी है। तो इसमें पॉइंट्स देने के बाद बनाने में आसानी रहता है। देखिए, हम खुद इसमें पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कि यह बेस भाग है तो इसमें ये देखिए, इसमें पॉइंट्स बनाए हैं जी, एच और आई। जैसे यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे एच और यहाँ पे आई। तो ये सिलने में पॉइंट से किस पॉइंट को मैच करना है आसान हो जाएगा। और इसमें भी पॉइंट्स दिए हैं, ये देखिए, यहाँ पे जे पॉइंट रखे हैं और यहाँ पे के। तो अब समझने में आसानी रहेगी, जैसा ये बेस भाग है इसको पॉइंट के में, इसका ये जो कोना है जहाँ पे आई है, आई को के साथ यहाँ पे इस बॉडी भाग का, इसका साइड बॉडी का और इसका यहाँ पे मिला के टांग देंगे पहले। ये देखिए, इसका कोना और ये जहाँ पे के पॉइंट है, दोनों का मिला के इसको टांग दिए है। अब देखिए, यहाँ पे जे है और ये जी है, जे और जी को यहाँ पे पॉइंट मैच करके यहाँ टांग दिए। और उसके बाद यहाँ पे जे और ये एच है, एच और जे पॉइंट को यहाँ पे टांग दिए हैं। ये देखिए, इसका बेस भाग। आप बेस भाग को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका पेंगुइन सही बनेगा। देखिए, यह बेस भाग इस प्रकार पेंगुइन में टांग दिए हैं, ऐसा देखिए। अब इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, अब यह बेस भाग और यह साइड बॉडी, इसकी सिलाई करेंगे। पेंगुइन में यदि बेस भाग को सही बैठा देंगे और चेस्ट भाग को, तो पेंगुइन एकदम सही बनेगा। कभी भी इसकी सिलाई सॉफ्ट आइस वाले धागे से करेंगे ताकि इसमें जब रुई भरे तो मजबूती रहे। मार्केट की कटिंग में सारे पॉइंट्स नहीं रहते हैं, इसीलिए बनाने में कठिनाई आती है। पेंगुइन को कहा जाता है यह बिल्कुल अपने बच्चों को इंसान की तरह प्यार करते हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं।
इसमें सिंथेटिक रुई 200 ग्राम तक का लगता है, ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ 200 ग्राम इसमें सिंथेटिक रुई भरेंगे। देखिए जैसा हम बताए थे दुकान से जो कटिंग लाते हैं उसमें सारे पॉइंट्स नहीं दिए रहते हैं, तो पॉइंट्स इसमें बनाने पड़ते हैं। जैसा कि यह चेस्ट बॉडी वाला भाग है, इसमें नीचे कोई पॉइंट्स नहीं दिया गया था, तो नीचे बना है एल पॉइंट, दोनों कॉर्नर पे एल, और इसका जो साइड बॉडी वाला भाग है उसका जे पॉइंट बनाए थे, तो दोनों इसका साइड बॉडी का कॉर्नर जे पॉइंट और चेस्ट बॉडी भाग का एल पॉइंट को मिला करके पहले टांग देंगे। देखिए इस प्रकार इसको टांग देंगे और इसके बाद ये पूरा सही फिटिंग आ जाएगा इसका पेंगुइन का। ये हो गया, अब इसका जो बीच का डॉट्स है इसको सिलेंगे। पहले अब पूरी ये सिलाई करेंगे इधर से, इसका पूरा ऐसे इसको इधर का और इधर का मिला के ऐसे सिलाई, फिर पेंगुइन का जो पंजा है, पाँव है, इसे दोनों तरफ इस प्रकार लगाएंगे उल्टा करके, जब पलटेंगे तो यह सीधा आएगा इस प्रकार। अभी ये सीधा इसे उल्टा करेंगे और पलट करके सिलाई करेंगे इस प्रकार, तब सारे बॉडी भाग सही बैठेंगे और पेंगुइन सही बनेगा। इसमें दो बार इसको पलटना है, काला फेल्ट में एक बार पलटेंगे और एक बार सफ़ेद फेल्ट में, तभी यह सही बनेगा। दोनों कलर के फेल्ट में एक एक बार इसको पलटना है दाएं बाएं बनाने के लिए। देखिए यह पेंगुइन लगभग सिलाई हो चुकी है। अब इसमें जैसा पीछे ओपन हिस्सा रखे हैं, यहाँ से रुई भरेंगे। रुई भरने के बाद ही इसके पंख लगाने के लिए निशान लगाएंगे। इस प्रकार रुई भर देना है। रुई हमेशा ना बहुत ज़्यादा भरें ना कम भरें, यह पेंगुइन अच्छे से बैठ सके और इसका जो पंख लगाएंगे उसका निशान बनाएंगे पहले। और जहाँ पे आँख लगाएंगे उसका भी निशान बनाएंगे। ये देखिए पेंगुइन का पंख गर्दन से थोड़ी आधा इंच एक इंच नीचे पे लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले रुई भरने के बाद इस प्रकार इसको एक सार करना है रुई को। अब यहाँ पे गर्दन से एक इंच नीचे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये पंख इस प्रकार। अब इसकी सिलाई करेंगे इसका पंख उसी प्रकार। आँख लगाने के लिए सेंटर से थोड़ा सा सामने यहाँ पे इसके लिए ऐसा रख करके इसको देख लेते हैं ये, और ऐसे पकड़ करके इधर से इसमें यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पे कैंची से या ब्लेड से छोटा सा कट करते हैं, इसे बहुत बड़ा नहीं करना है।
ये हो गया था इस प्रकार। और ये आइस लगाएंगे पीछे से, इसको इसका सेट कर देंगे इसी प्रकार। इधर का भी लगेगा और बाकी का रुई फिर भर के सिलाई कर देंगे पीछे हिस्सा को। देखिए यह हमारा पेंगुइन पूरे 12 इंच का लंबाई में, पूरा 12 इंच का इसका, तो ये 12 इंच का पेंगुइन तैयार होके इसकी लंबाई 12 इंच आएगी। देखिए यह पेंगुइन कंप्लीट हो गया है, तो आप भी बनाइए इसे और गिफ्ट करने के लिए भी यह बहुत अच्छा है। पेंगुइन अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह देखभाल करते हैं, इसीलिए यह गिफ्ट करने के लिए, बना के अपने हाथों से गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, धन्यवाद। और पेंगुइन के लिए मफलर कैप बना करके भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए। जैसा हम बनाए हैं इसके लिए मफलर और कैप भी बना करके लगा सकते हैं।